नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्षेत्र के लोग आकर अपनी समस्याएं सुनाते रहे। उसी में मुड़ेरी से आए हुए एक शख्स ने अपनी बात रखी कि लवकुश नगर थाने में उसकी पत्नी द्वारा मारपीट और गाली गलौज की रिपोर्ट लिखाए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही साथ उसकी पत्नी को ही उल्टे धमकाया जा रहा है। आरोपियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे रिपोर्ट करने के बावजूद घर में आकर धमका रहे हैं। शिव कुमार मिश्रा ने बताया कि वो एक मजदूर है और उसके घर शंकर मिश्रा ने आकर गाली गलौज की। पत्नी द्वारा मना किए जाने पर पत्नी को भी गाली गलौज की। सर, मैं घटहरी गांव में मजदूरी करता हूं। मैं ग्राम मुड़ेरी का निवासी हूं, जो कि मेरी पत्नी अकेले घर में निवास करती है और मेरा छोटा बच्चा 5 साल का। शंकर मिश्रा नाम का आदमी घर पर आया और गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। जब वो गाली गलौज करने लगा तो मेरी पत्नी ने रोक लगाई कि मत गाली दो, मेरा पति आ जाएगा तो गाली गलौज करना, जो भी कमी हो उनको बताना। तो बोला मोदी तू ज़्यादा गर्रा गई है, तेरी गर्राहट उतारना है, ऐसी बातें कर कर और पकड़ने के लिए दौड़ा। जब वो पकड़ने के लिए दौड़ा तो घर के अपने अंदर घुस गई। उसकी शिकायत कहाँ पर की? जी, मैंने लवकुश नगर थाना में मेरी पत्नी ने 25 तारीख को करवाई है, इसी 25 तारीख को। और लवकुश नगर थाने जब इसने मेरी घर वाले ने फ़ोन लगाया तो मैं अपने घर आया। घर आया तो पत्नी और हम दोनों लोग लवकुश नगर TI का साहब के यहाँ गए कि साहब कुछ नहीं हुआ, ना पुलिस आई है और वो सुबह से फिर आ गया था गाली गलौज देने। तो TI साहब बोले तेरे घर का मैटर नहीं है कि तेरे घर पीछे पुलिस फिरेगी और तेरी औरत घर रानी है, जहाँ सुना ना सुना तेरी कोई सुनाई नहीं होगी। इसलिए हम वहाँ से भागे और अपने SP साहब पुलिस अधीक्षक साहब महोदय जी को छतरपुर में हमने सुनाया। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।